जिसमें हम कवर करने जा रहे यूनिट वन का सेकेंड पार्ट स्टेटिफिकेशन जो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया है उसको आज हम यहाँ पे एंड करेंगे तो इन केस इफ यू हैनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली दिस इज माई ई मेल आई डी करण क्रं फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी वो ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करती हूँ और ये लेक्चर भी आपके इस लेक्चर की पीपीटी भी आपको वहीं पे मिल जाएगी तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सर्टिफिकेशन का बेसिक आपको क्लियर हो गया है आई होप अगर नहीं हुआ तो आप पुराने वीडियोज़ एक बार फिर से देखें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं तो सर्टिफिकेशन हमारा हो गया काज बेस्ड सर्टिफिकेशन भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाएं तो आप ये नोट डाउन कर लें जी एस गुरिये ने इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया एम एन श्रीनिवासा ने हमें कास्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट उन्होंने दो आ, काफी उनके इंपॉर्टेंट जो ये है आ, की टर्म्स एक है आपका संस्क्रिटाइजेशन एंड सेकेंड इज योर डोमिनेंट कास्ट संस्क्रिटाइजेशन होता है जिसमें हाई कास्ट क्या करती है कॉपी लो सॉरी लो कास्ट जो है आपकी वो कॉपी करती है हाई कास्ट को तो हाई कास्ट की ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग स्टाइल फूड हैबिट्स फूड हैबिट्स आइडियाज़ वगैरह तो ये सारी चीज़ें हाई कास्ट की लो कास्ट कॉपी करना चाहती है ताकि उनको रिकग्निशन मिले और अक्रॉस फ्यू जनरेशन अगर ये जनरेशन नहीं हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन उनको एडमिट किया जाए हाई कास्ट ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल अगर वेशिया वेशिया या शूद्र क्षेत्रीय ये कॉपी करना शुरू कर दें ब्राह्मण्स को ब्राह्मण के थोड़ा लाइफ स्टाइल को तो उसको हम संस्कृताइजेशन बोलते हैं ये क्यों कॉपी करते हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मण ग्रुप में एंट्री हमें हमें मिल जाए डोमिनेंट कास्ट इनका और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब होता है जो भी कास्ट आपकी इकोनॉमिकली स्ट्रॉ इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली स्ट्रांग हो मीन्स उनने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ले लिया हो ठीक है एंड सेकेंडली वो न्यूमेरिकली स्ट्रोंग हो फिर चाहे रिचुअली वो लो कास्ट भी हो उसको हम डोमिनेंट कास्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं उनको हम डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं एक तो वो जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ले लेती है एंड सेकेंडली जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिनकी ज्यादा होती है दैट मीन दो कास्ट हाई इन नंबर जो हाई इन नंबर होती हैं ठीक है लुई डुमॉग की काफी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है होमो होमोहारकस इस होमो में होमोहा एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन लिखा था रिलेटेड टू कास्ट अगेन दैट मीन जो आपकी हाई कास्ट हैं फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स ठीक है ये सबसे ज्यादा प्योर कास्ट मानी जाती हैं जैसे फिर हम लोअर लैडर में आना शुरू करते हैं लैडर के नीचे नीचे आएंगे तो इनमें पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आ जाता है पोल्यूशन क्रेप्ट इन हो जाती है लो कास्ट कास्ट में और जो लोएस्ट कास्ट होगी हमारी वो सबसे ज्यादा इमप्योर कास्ट होगी जो आपके शूद्रास है और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था लेविस की आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपोजिट से बाइनरी ऑपोजिट्स क्या अगर आपको बाइनरी नंबर्स पता होंगे वो क्या है वन एंड जीरो तो वन आपके हो गए प्योर एंड जीरो आपके हो गए इमप्योर ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लेवी स्ट्रॉस से लिया था तो ये थोड़े बहुत की टर्म्स अगेन कास्ट सिस्टम से रिलेटेड आपके स्टार्टिफिकेशन चैप्टर में तो ये आप याद रख लेना आज का हमें टॉपिक जो स्टार्ट करना है दिस इज योर सोशल क्लास तो जहाँ पे भी क्लास की बात आती है वो आप बोल सकते हो क्लास रिलेट होता है कहीं ना कहीं आपके स्टेटस से ठीक है आपके प्रेस्टीज से सोशल एस्टीम ये सारी चीजें जहां पे आप सुनते हो ये किससे रिलेटेड होती हैं आपकी सारी कास्ट सॉरी क्लास सिस्टम से क्लासेस से ठीक है तो सोशल क्लास पे भी सोसाइटी को स्टिफाई किया जाता है सिंपल सर्टिफिकेशन मिलती है आपको क्लास सिस्टम में जैसे आपके हाई क्लास आ जाते हैं मिडिल क्लास एंड लो क्लास ठीक है अगेन देन हाई क्लास में भी आपको हाई हाई देखने को मिलता है और हाई लो ठीक है मिडिल क्लास में भी आपको अपर मिडिल देखने को मिलता है एंड लोअर मिडिल एंड लोअर क्लास में भी आपको अपर लोअर क्लास देखने को मिलता है एंड लोअर लोअर ठीक है तो ये एक क्या है एक बेसिक जनरल फ्रेमवर्क है क्लास सिस्टम का कि यूजुअली क्लासेस को हम ऐसे ही जो डिवाइड करते हैं फिर अलग अलग थिंकर्स ने क्लास सिस्टम को लेके भी अलग बातें करी हैं और अलग तरीके से इनको डिवाइड किया है क्लास को हम कभी भी कभी यूज uh, भी करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप्स ऑफ प्रोफेसर आर्टिस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स स्टूडेंट्स वगैरह ठीक है अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक सोशल क्लास के क्लास जो है एक स्टेटस ग्रुप है जैसे मैंने आपको कहा आपके स्टेटस के साथ आप जब लिंक करते हो खुद को तो आप एक क्लास सिस्टम में आना शुरू कर देते हो जो हाई क्लास लोग होते हैं आपकी सोसाइटी के सोकॉल्ड हाई क्लास लोग तो वो आपके एक हाई स्टेटस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं ठीक है तो अकॉर्डिंगली जैसे आप नीचे नीचे आओगे मिडिल एंड लोअर क्लास मिलेंगे तो उनका स्टेटस भी सोसाइटी में अकॉर्डिंगली ही होता है ठीक है तो इसमें आप पहला characteristics, दूसरे में आप देख लो achieved status and not ascribed status. ये जो status मिलता है इंसान को जिसकी वजह से किसी क्लास में आता है वो पे. पे कास्ट सिस्टम होता, होता है आपका जो आपको बाय बर्थ मिलता है ठीक है आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होते हो तभी आप उस कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते हो ठीक है तो उसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड मतलब वो आपको थ्रू एस्क्रिप्शन मिलता है क्योंकि आप वहां पैदा हुए हो लेकिन जो अचीव्ड होता है वो आपने अचीव किया है अपनी एजुकेशन से वेल्थ से इनकम से इन सब चीजों से अच्छा इन सब चीजों से आप क्या करोगे सोसाइटी में अपना कोई स्टेटस जो है वो बनाने की कोशिश करोगे वो डिटरमिन करोगे और अकॉर्डिंगली आपको एडमिट किया जाएगा या आप एडमिट हो जाओगे किसी एक क्लास कैटेगरी में ठीक है तो क्लास सिस्टम यूनिवर्सल है जैसे कास्ट सिस्टम हमने पढ़ा था वो यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडिया का सिर्फ लेकिन क्लास सिस्टम आपको यूनिवर्सल देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में प्रेजेंट होता है आगे देखते हैं मोड ऑफ फीलिंग तो क्लास सिस्टम में आपको थ्री टाइप्स ऑफ फीलिंग्स देखने को मिलती हैं थ्री टाइप्स या तो वो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी होती है अगर आप सारे एक ही क्लास को बिलोंग करते हो फॉर एग्जाम्पल सारे आप हाई क्लास कैटेगरी के आते हो तो आप सब सब में क्या होगा एक फीलिंग ऑफ इक्वालिटी होगी कि हम सब बराबर हैं सेकेंड इज अ फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी अब अगर आप मिडिल या लो क्लास को बिलोंग करते हो तो आप क्या करोगे खुद को इन्फीरियर फील करना शुरू करोगे तो वो फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आएगा कि हम इनफीरियर है हाई कास्ट से एंड थर्ड टाइप इज योर सुपीरियरिटी अगर आप हाई क्लास में बिलोंग करते हो हाई क्लास कैटेगरी के हो तो आप ख़ुद को सुपीरियर समझना शुरू करते हो मिडिल क्लास से एंड लोअर क्लास से तो ये तीन टाइप्स ऑफ फीलिंग्स है जो जनरेट हो सकती हैं क्लास सिस्टम में इसमें मैंने पहले कहा था एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज है ये सारी चीज़ें प्रेस्टीज स्टेटस ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं आपके क्लास सिस्टम से एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी अगर आप हाई क्लास में हो हाई क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ऑलमोस्ट 99% नाइन परसेंट चांसेज है आप हाई क्लास में ही रहोगे अनलेस कि कोई ऐसा हो जाए आपका बिजनेस बिल्कुल ही जीरो पे आ जाए ठीक है बिजनेस जीरो पे आ गया वहाँ पे कोई वॉर्स चल रही हैं, कोई रेवोल्यूशन आ गया कोई ऐसी सारी चीजें होगी जिससे आपका सारा जो इकोनॉमी है वो क्रश हो गई तो हो सकता है आप इस, आपकी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाए और आप हाई कास्ट से एक लो कास्ट में आ जाओ पर यूजली ऐसा होता नहीं है नाइन्टी परसेंट चांसेज है अगर आप हाई कास्ट के को बिलोंग करते हो आप उसी कैटेगरी में रहोगे तो काफी एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड होती है क्लास सिस्टम में देखने को मिलती है एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी आल्सो मोड ऑफ लिविंग आप देखो लिविंग से कैसे रिलेटेड है क्योंकि आपका जो क्लास है वो कहीं ना कहीं डिटरमिन करता है आपका लाइफ जो भी किसी एक पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका लाइफ जो होता है वो अकॉर्डिंगली डेवलप होता है ठीक है सोशल क्लास इज एन ओपन ग्रुप तो ये क्लास और कास्ट का एक डिस्टिंग डिफरेंस भी आप यहां बोल सकते हो क्योंकि कास्ट सिस्टम को क्लोज ग्रुप बोला जाता है मोबिलिटी अगर है काफी कम है दैट मीन अगर आप एक शूद्र पैदा हुए हो तो काफी कम चांस है आप, आपकी लाइफ में कि आप एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय और वेश बन पाओ ठीक है तो इसको क्लोज ग्रुप बोला जाता है ओपन ग्रुप है सोशल क्लास में मोबिलिटी ईजी है आपको क्या करना है अच्छी एजुकेशन हो आपके पास अच्छी जॉब हो वेल्थ आ जाए एक स्टेटस मिले तो आप अपनी जो क्लास है कैटेगरी उसमें आप अपवर्ड या डाउनवर्ड आराम से जा सकते हो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने स्टेबिलिटी में कहा कि आप स्टेबल रहते हो देखो एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है दैट मींस मींस कोई रेडिकल रेडिकल चेंज चेंज नहीं नहीं होती है है आप ऐसा नहीं सुनोगे जो अंबानी वो बिल्कुल एक ब, बोलो ठीक है थीके? या अंबानी की सारी प्रॉपर्टी जो है खत्म हो गई है ऐसा नहीं होता इतनी रेडिकल चेंज नहीं आती बाकी मोबिलिटी वगैरह ये चलता रहता है ठीक है इसीलिए इसको ओपन ग्रुप बोला जाता है और कास्ट को क्लोज ग्रुप सोशल क्लास जो है इकोनॉमिक ग्रुप है आपकी इकोनॉमी डिटरमिन करती है लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि दे आर नॉट मेयर इकोनॉमिक ग्रुप डिविजन इसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई ऑफिसर की एग्जाम्पल लेते हैं उनकी सैलरी कम होती है ठीक है अगर करप्शन वगैरह बोलो चलो अलग इशू आ गया कि वो उतना कमाते नहीं है सैलरी उनकी एक बिजनेसमैन के इसमें कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है लेकिन सोसाइटी में उनका स्टेटस होता है और अकॉर्डिंगली वो एक अच्छी क्लास कैटेगरी में भी आते हैं ठीक है तो सिर्फ इकोनॉमिक आप बेसिस नहीं बना सकते हो क्लास में किसी को डिवाइड करने के लिए सुरोकिन ने तीन टाइप्स ऑफ क्लास स्टार्टिफिकेशन दी है पी सुरोकिन ने इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन क्लास ठीक है इन बेसिस पे आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो दैट मीनस अलग अलग थिंकर्स ने ये मिथ ब्रेक किया कि आपका क्लास सिर्फ आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है क्योंकि उन्होंने आपको अलग अलग चीजें भी दी है इसके आ, क्लास के स्टार्टिफिकेशन के रिलेटेड तो और एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन ऑफ एरिटी एंड बिहेवियर विदर ऑफ अदर क्लासेज तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में देखो क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है आपको अवेयरनेस होती है अपने क्लास की आपको पता है कि मैं किसी क्लास का हूं तो अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर अपनी क्लास के साथ योर ओन क्लास योर ओन क्लास एंड टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ अदर क्लासेस आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली और एटीट्यूड अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा या डिटर्मिन करेगा अगर आपको पता है आप एक हाई क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो जब आप अपने सोसाइटी के मेंबर्स के साथ बातचीत करते हो आपके बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है और अगर आप दूसरे क्लासेस के साथ बात कर सकते हो, हो सकता है उसमें वही बात में वो मोड ऑफ़ फीलिंग वाली बात आ जाती है ना सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी खुद को समझना और अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है इसको हम क्लास कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि आप अवेयर होते हो अपनी क्लास के कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हो और हमें क्लास से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल उससे पहले मैं आपको ये बताऊं ये हम डिस्कस करेंगे क्लास कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रगल जब हम कार्ल मार्क्स का थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टार्टिफिकेशन में भी आगे दो तीन स्लाइड छोड़ के ही वो कॉन्सेप्ट है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लास है इट हैज बीन मेड ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑल्सो एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया और बोथ देखो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और हम उस चीज़ में अपनी फीलिंग्स एसोसिएट नहीं करते ठीक है तो जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करो या सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करो तो ऐसा बोला जाता है इसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए दैट मीन उसमें आपका अपना बायस नहीं होना चाहिए जहां आपका अपना बायस आ जाता है आपकी अपनी वैल्यूज और फीलिंग्स आती हैं तो वो चीज सब्जेक्टिव बन जाती है ठीक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव वो है जो प्योर हो डिस्क्रिप्टिव हो ऑब्जर्वेबल हो जिसको आप वेरीफाई कर सको टेस्ट कर सको और जहां पे आपके अपने व्यू पॉइंट्स आ गए आपकी अपनी वैल्यूज आ गई आपका अपना बायस आ गया वो एक सब्जेक्टिव क्राइटेरियन that तो क्लास को आप डिवाइड कर सकते हो उसका बेसिस सब्जेक्टिव भी बन सकता है सब्जेक्टिव भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है सब्जेक्टिव में क्लास कॉन्शियस अगेन इफ यर अवेयर ऑफ योर क्लास तो कही कहीं ना कहीं वही बायस वाली चीजें आती हैं क्लास सॉलिडारिटी एंड क्लास आइडेंटिफिकेशन तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है आपके अपनी वैल्यूज से लेकिन ऑब्जेक्टिवली भी हम क्लास को जो है डिवाइड कर सकते हैं स्टेटस डिटर्मिन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली उसमें क्या चीजें आ गई वेल्थ प्रॉपर्टी फैमिली लोकेशन ऑक्युपेशन लेवल ऑफ एजुकेशन फिजिकल मार्क्स ऑफ डिफरेंस स्किन कलर कलर ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन हो गया जो डिटरमिन करता है स्टेटस एंड ये सब्जेक्टिव क्राइटेरियन हो गया सम सोशोलॉजिस्ट हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू दी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स रादर देन योर सब्जेक्टिव फैक्टर्स अब हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम स्टैटिफिकेशन के एक तो आपका कार्ल मार्क्स का है ये थोड़ा मैंने आपको पहले बता दिया था एंड सेकेंड वन इज अ मैक्स वेबर ठीक है तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था इन्होंने कहा था सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लास दैट मीन सोसाइटी डिवाइड होती है सिर्फ क्लास के बेसिस पे और कोई चीज नहीं है अगर आपके पास पैसा है रुपया पैसा है आप कैपिटलिस्ट हो आप ओनर हो फैक्ट्रीज के तो आप आ जाते हो हैव्स वाली कैटेगरी में अगर आप एक मजदूर हो आप हो हैव नॉट वाली कैटेगरी में इसको इन्होंने कहा था ब ये आप साथ साथ नोट डाउन किया करो फिर रिवीजन के लिए आपके पास पीपीटी है वो मैं अपलोड कर दूंगी लेकिन अपने नोट्स बनाना आई थिंक ज्यादा बेटर रहता है Proletariat, ये आपके हैव हो गए एंड ये आपके हैव्स हो गए ठीक है तो ये हैव हैव और हैव बेसिकली बनते कैसे या पहले क्लास को इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था क्लास एक सोशल ग्रुप है जिसके मेंबर्स शेयर करते हैं सिमिलर रिलेशन टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन फाइन तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली काल मार्क्स ने जहाँ भी स्टार्टफिकेशन या क्लास या इकोनॉमी जो भी बात की थी आपको दो चीजें याद रखनी है काल मार्क्स के रिलेशन में रिलेटेड देखो तो मैं नई स्लाइड पे ही देखती हूँ दो चीजें आप याद रखोगे हमेशा एक होता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड एक होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बेसिकली आपके टूल्स मशीनरी इसमें लेबर पावर या लेबर वर्क वो भी आ जाता है लेबर लेबरबीआर लेबर पावर ठीक है तो बेसिकली वो सारी चीजें जिनसे आप काम करते हो फैक्ट्रीज आपकी या लैंड तो ये सारी चीजें ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ठीक है जो आपको हेल्प करते हैं चीजें प्रोड्यूस करने में क्या कोई फैक्ट्री चल सकेगी मशीन्स के बगैर नहीं मशीन कुछ टूल्स होंगे जो आपको जरूरत होंगे काम करने के लिए वो सारी चीजें फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगी एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिटर्मिट करेगा कि आपका क्या रिलेशन है इन एफ के साथ इन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है आप खुद ही सोचो या तो आप वहां के लेबर हो दैट मीन्स आप वहां पे काम कर रहे हो या तो आप ओनर हो जो ये सारे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है यू ओन देम ठीक है तो अब इन अब वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं अब रिलेशन प्रोडक्शन क्लियर हो गया आपको या तो आप लेबर हो कि आप इन सारी चीजों पे काम करते हो या तो आप ओनर हो आप ये सारी चीजें तो ओन करते हो अब इनकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करो सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर रिलेशन टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो आपका सिमिलर रिलेशन होगा टू द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या रिलेशन हो सकता है या तो आप लेबर हो या तो आप ओनर हो ठीक है तो क्लास इनके लिए क्या हुआ वो सोशल ग्रुप जो शेयर करेगा एक सिमिलर आरओपी आपके एफओपी के साथ अगर आप लेबर हो आप हैव वाले सोशल ग्रुप में हो अगर आप ओनर हो आप हैव नॉट वाले सोशल ग्रुप में हो क्योंकि बेसिकली रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन तो दो ही तरीके के होंगे ना या तो आप काम करोगे या तो आप ओनर होगे उन चीजों के ठीक है तो ये बेसिक है जो आपको याद रखना है काफी डिटेल्ड ये है कॉन्सेप्ट सारा मैं आपको सारा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको इसमें वही बातें बोल रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए रिलिवेंट होगा ठीक है तो ये हो गया एक सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर रिलेशनशिप टू द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वो रिलेशनशिप क्या है अगर आप लेबर हो तो आपका हैव्स वाला रिलेशनशिप आ गया अगर आप हैव्स uh, कैटेगरी आ गई अगर आप वहां के ओनर हो तो आप हैव नॉट्स में आ गए अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन है, है और हमारे पास दो ही टाइप्स की क्लासेस होती है या तो आप ओनर हो ठीक है तो आप हैव हो बो हो, या तो आप प्रॉलिटेरियट हो तो ये कॉलमार्क्स का कॉन्सेप्ट था इन्होंने भी क्लास कॉन्शियसनेस मैंने आपको कहा था हम उस स्लाइड पर वापस आएंगे इन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस की बात की थी इन्होंने कहा था बेसिकली अभी आप एक क्लास इन इट सेल्फ में हो स अभी आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप एक क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि आप एक पर्टिकुलर क्लास हो और आपके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है विद टाइम आप क्या करोगे आप क्लास फॉर इट में आ जाओगे ये वो क्लास है जिसमें आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी आप अवेयर हो जाओगे कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और हम एक क्लास को बिलोंग करते हैं ठीक है जब आपकी अवेयरनेस हो जाएगी फिर आप क्या करोगे फिर एक रेवोल्यूशन आएगा जिसमें आपके जो प्रोलिटेरियट्स हैं वो ओवर थ्रो करेंगे बर्जुआ को उनका रोल जो है उनका रूल जो है वो खत्म करेंगे किनका बर्जुआ का वो ओवर थ्रो करेंगे इनको ठीक है ये सारी चीजें थोड़ा इसका रफ आइडिया ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है और आपके लिए मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है तो क्योंकि हमें क्लास जो है कीवर्ड लिखा हुआ है सिलेबस में तो क्लास रिलेटेड जो भी बातें हैं स्टार्टिफिकेशन वाले पर्सपेक्टिव से हमें वो पता होनी चाहिए तो क्लास कॉन्शियसनेस यही होता है कि आपका अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि अभी आप अवेयर नहीं हो आपको कॉन्शियसनेस नहीं है आपने एक्सप्लाइटेशन की तो अभी आप एक्चुअली uh, में क्लास वाले सोशल ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हो अभी आपको क्लास इन इट्सल्फ बोला जाएगा जब आप में वो अवेयरनेस हो जाएगी तो आप एक क्लास बन जाओगे आप क्लास फॉर इट में आओगे तो जब ये अवेयरनेस आप में आएगी तो जो प्रोलिटेरियट्स हैं वो रिवॉल्ट करेंगे और वो ओवरथ्रो करेंगे रूल ऑफ जो आपके ओनर्स है हैव्स हैं या बर्थ जो है ठीक है तो इस सारे प्रोसेस को हम उनकी क्लास स्ट्रगल थ्योरी ही बोलते हैं तो क्लास कॉन्शियसनेस यहाँ पे की आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये हो गया मार्क्स का अब अबर्स ने हमें वेबर वेबर मैक्स ने हमें दिया था स्टार्टोफिकेशन में ट्रिनेटेरियन दैट मीनों इन्होंने थ्री चीजों में हमें थ्री डायमेंशनल व्यू दिया था थ्री डी व्यू इन्होंने कहा था क्लास है ठीक है क्लास आपको स्टार्टफाई करती है लेकिन सिर्फ क्लास के बेसिस पे ही सोसाइटी स्टार्टफाई नहीं होती है आपको स्टेटस के बेसिस पे भी होती है एंड पार्टी के बेसिस पे भी होती है क्लास इन्होंने कहा क्लास वो ग्रुप है जिनके सिमिलर लाइफ चांसेस होते हैं जिनका लाइफ स्टाइल वगैरह जो है वो सिमिलर होता है स्टेटस वो ग्रुप है जिनका सोशल प्रेस्टीज से रिलेट किया था या सोशल एस्टीम जो है जो शेयर करते हैं एंड पार्टी इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो वो वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इन्होंने कहा था ये सारी चीजें हैं ये भी स्टेटिफाई करती हैं सोसाइटी को तो इन्होंने एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू डेवलप किया था एज कम्पेयर टू कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था सिर्फ क्लास लेकिन वेबर ने कहा था क्लास भी स्टेटस भी एंड पार्टी भी ठीक है इस बात पे आपकी इसके बेसिस पे आपकी सोसाइटी डिवाइड होती है तो जहां कार्ल मार्क्स ने सिर्फ क्लास के बेसिस पे की थी अकॉर्डिंगली दो क्लासेस दी थी इन्होंने इन तीन बेसिस पे किए अकॉर्डिंगली हमें चार क्लासेस दी एक आपकी प्रॉपर्टी अपर क्लास है व्हाइट कॉलर वर्कर्स पेटी बजवा एंड योर मैनुअल लेबर ठीक है तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये आप याद रखोगे इसमें प्रॉपर्टी अपर क्लास नाम से क्लियर है वाइट कॉलर वर्कर्स जो आपके हाई पेड अच्छी जॉब्स uh, में होते हैं जैसे आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह या बाकी लोग भी पेटी जो होते हैं जो आपके स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स और आपके मैनुअल लेबर्स ठीक है ये चार क्लास आपको वेबर ने दी टी बी बोटोमोर और एक इंपॉर्टेंट नाम है इन्होंने कहा तीन क्लासेस तीन टाइप्स चार टाइप्स की होती हैं अपर क्लास मिडिल क्लास वर्किंग क्लास एंड पेजेंट्री एंथनी गिडन्स ने भी आपको तीन टाइप दिए थे अपर क्लास होता है इंटरमीडियट मिडिल क्लास होता है वर्किंग लोअर क्लास होता है तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग ये दिए आपको क्लास के डिविजन दिए कि कौन कौन सी क्लासेज होती है लेकिन जो क्लास सिस्टम है उसको हम यूनिवर्सल ही बोलते हैं ओवरऑल क्योंकि हर सोसाइटी में क्लास सिस्टम किसी एक या दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट होता है अब थोड़ा इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्लास का एंड कास्ट का कास्ट जो है पर्टिकुलर है पेक्यूलर टू इंडिया इट इज यूनिक टू इंडिया ठीक है और क्लास सिस्टम आपका यूनिवर्सल है हर सोसाइटी में देखने को मिलता है एस्क्राइब एंड अचीव ये आप समझ गए एस्क्रिप्शन uh, होता है जो बर्थ के बेसिस पे होता है एंड दूसरा आपका अचीव स्टेटस है जो आप अचीव करते हो ये क्लोज सिस्टम है ये भी डिस्कस किया ये ओपन सिस्टम है इसका डिवाइन ऑरिजन है ये हमने डिस्कस किया था में रिग्वेदा में मंडल ऑफ प्रेजेंट है कि खुद को ब्लास्ट किया था लॉर्ड पुरुष ने उसके बाद क्या हुआ था सर से निकले थे आर्म से निकले थे थाई से निकले थे पैरों से निकले थे तो एक डिविनिटी एक रिलीजियस सैंक्शन इसको प्रोवाइड किया गया है ये सेक्युलर है क्लास सिस्टम हैज नथिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करो आप किसी भी आ, क्लास कैटेगरी में आ सकते हो ठीक है रिलीजन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है इसमें प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमने डिस्कस किया में आपको फीलिंग ऑफ डिस्पैरिटी मिलेगी ये भी हमने डिस्कस किया फीलिंग्स में कि या तो आप इनवालिटी वाली फीलिंग आएगी या इनफीरियोरिटी वाली फीलिंग भी आ सकती है ठीक है इम्प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस कास्ट सिस्टम रेगुलेट करता है मेकाइवर ने इसमें कहा इट फिक्सेस द रोल ऑफ अ मैन इन सोसाइटी कास्ट सिस्टम आपको बोलता है आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक पर्टिकुलर कास्ट एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है ये लिमिट करता है रिलेशन को क्लास सिस्टम ऑन द अदर हैंड लिमिट्स द रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं हाई हाई जो अपर कैटेगरी में आते हैं वो लोअर लोअर कैटेगरी वाले लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहना प्रेफर करेंगे फाइन ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं इस आइडियोलॉजी को प्रमोट या कुछ नहीं कर रही ये बस एग्जाम्पल्स हैं आपको चीजें थोड़ा इजी बनाने के लिए आपके लिए ग्रेटर सोशल डिस्टेंस है ब्राह्मण्स कहाँ और शूद्रास फिर क्या वो शूद्रा ब्राह्मण बन सकता है कि नहीं इम्पॉसिबल सी चीज़ है इसमें लेसर सोशल डिस्टेंस लेस सोशल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस मेंबर्स आर मोर टॉलरेंट देन अदर्स ठीक है इसमें जो सोशल डिस्टेंस है वो उतना आपको नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कास्ट और लोग ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं लेकिन यहाँ के कास्ट सिस्टम के लोग ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होते इनफैक्ट बिहार में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था कुछ टाइम के पहले कुछ टाइम पहले ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे लेकिन लोअर शूद्रा कैटेगरी के थे वो वो कहाँ गए थे वो एक मंदिर गए थे वो मंदिर जो है उनके वहां जाने के बाद उस मंदिर को सील किया गया था और बाद में उसको प्योर बनाने के लिए वो गंगा जल वगैरह पूरे मंदिर में छिड़का था तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इसमें टॉलरेंस लेवल बहुत कम होती है लेकिन क्लास सिस्टम में ऐसा नहीं है ये कंजर्वेटिव है कास्ट सिस्टम ये प्रोग्रेसिव है क्लास सिस्टम आई गेस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये चीजें मैंने ये चीजें आप समझ गए होंगे क्योंकि कंजर्वेटिव है ऑर्थोडॉक्स है रिएक्शनरी है लेकिन ये प्रोग्रेसिव है फ्रीडम है इसमें ये ओपन है ग्रेटर सोशल मोबिलिटी है इसमें फाइन ये एंडो ग्रुप है एंड ये एंडो नहीं है एंडो हमने शायद कल भी डिस्कस किया था ये हमें आगे भी फैमिली मैरिज में हम पढ़ेंगे ये एंडो होता है विद इन द ग्रुप तो ग्रुप के अंदर जो है कास्ट एंडेमी प्रैक्टिस होती है दैट मीन सेम कास्ट के लोग शादी करने चाहिए लेकिन क्लास सिस्टम में ऐसा आ, ये नहीं है देखने को नहीं मिलता है पर ये भी कंट्री टू कंट्री वैरी करेगा ये भी रीजन टू रीजन वैरी करता है लेकिन जहाँ एंडोगी की बात आती है कास्ट सिस्टम में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है उसमें और क्लास सिस्टम में आपको उतनी देखने को नहीं मिलती है कॉम्प्लेक्सिटी कास्ट सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देखो वरना चार है उसके बाद कास्ट सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आता है ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियालिटी कास्ट या जाति तो वो कितनी ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा है तो इससे सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाता है लेकिन ये सिंपल है क्योंकि जितनों ने भी अलग अलग क्लास डिस्टिंक्शन दिए हैं चाहे पांच हो छह हो या ज्यादा से सात या आठ भी हो लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हम इनको इन्हीं तीन में डिवाइड करते हैं अपर मिडिल एंड लोअर में लास्ट पॉइंट है आपका कास्ट कॉन्शियसनेस एंड क्लास कॉन्शियसनेस तो कास्ट कॉन्शियसनेस क्या होता है जब आप अवेयर हो जाते हो अपने कास्ट के ठीक है पहले तो वो जो लो कास्ट है वो संस्क्रिटाइजेशन चाहते थे वो हाई कास्ट को इमिटेट करना चाहते थे ताकि उनको वहाँ एडॉपशन मिले लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो कास्ट कॉन्शियसनेस का आ रहा है कि आप आइडेंटिफाई करते हो खुद को पर्टिकुलर कास्ट से उसकी कास्ट एसोसिएशन बनती हैं ठीक है थीके? आपकी पॉलिटिकल पार्टी से दलित पॉलिटिकल पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जो दलित को रिप्रेजेंटेशन देगी अब आप अपनी कास्ट शाई अवे फ्रॉम योर क्लास नाउ ठीक है यू वांट टू फील मोर एसोसिएटेड टू योर क्लास आप बोलते हैं नहीं मैं इस क्लास का पार्ट हूँ मैं इस कास्ट का पार्ट हूँ तो जो कास्ट कॉन्शियसनेस है ये डेंजरस है डेमोक्रेसी को क्यों क्योंकि री करेगा कास्ट सिस्टम जब आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे हमेशा एज अ दलित एज अ शूद्र या एज अ ब्राह्मण दैट मीन्स आप अपने कास्ट से कहीं ना कहीं खुद को हमेशा के लिए रिलेट कर रहे हो तो कास्ट सिस्टम आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे ऐसे सोसाइटी में ठीक है जो कास्ट फीलिंग है मे बी मे में ऑल्सो एंडेंजर द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटीमेंट्स एंड यूनिटी तो यूनिटी और नेशनल सेंटीमेंट्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो है हमेशा के लिए सोसाइटी में ऐसे रह जाएगा ये रेस्ट्रिक्ट करता है कम्युनिटी फीलिंग को आपको बाकी कास्ट के लोगों से ज्यादा मिलने नहीं देगा यूनाइट होने नहीं देगा कास्टिज्म जो है ये एक बड़, बहुत बड़ी हिंड्रेंस है टू तो द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया और यहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस क्लास कॉन्शियसनेस इज नॉट इनमिकल टू डेमोक्रेसी क्लास एंड डेमोक्रेसी जो है दे गो टूगेदर ठीक है उसमें कोई ज्यादा ये

जो है एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए आप एबॉलिश करो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्लास सिस्टम को भी एबॉलिश करो ये फीलिंग्स होने के बावजूद भी अगर क्लास सिस्टम प्रेजेंट है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये डिस्टर्ब नहीं करता है ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स को ठीक है तो क्लास कॉन्शियसनेस जो है डेट्रीमेंटल नहीं है आपके डेमोक्रेसी के लिए लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस है अब क्लास कॉन्शियसनेस को लेके अलग थिंकर्स ने क्या कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कल मार्क्स है ठीक है तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी ऑलरेडी तो यहाँ पे एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ उनके रेगुलशन को लेकर इजी टॉपिक है जल्दी खत्म हो जाएगा तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट टेकेयर हैव ग्रेट डे और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट से बताएं कैसा लगा थैंक यू